जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो कि हनुमान जन्मोत्सव पर गुरुग्राम के सेक्टर 10A श्री कृष्ण मंदिर के प्रांगण की हैं। इस समय आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रांगण के अंदर यहां बहुत ही भव्य तरीके से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया है। इससे कार्यक्रम की शुरुआत हुई सुबह से, जहाँ पर अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट के द्वारा और उनके सदस्यों ने मिलकर के सुबह सबसे पहले श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाया और विधिवत रूप से पंडित गोपाल कौशिक के द्वारा विधि पूर्वक अर्चना करके हनुमान जी को यह चोला चढ़ाया गया। चांदी का वक्र इस पे लगाया गया। आप देख सकते हैं श्री हनुमान जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे इस कार्यक्रम में यहाँ सभी सदस्यों ने मिलकर के अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट है जो, उन्होंने यहाँ पर 51 बार हनुमान चालीसा पाठ का उच्चारण किया। 51 बार हनुमान चालीसा पाठ के बाद में यहाँ पर शुरू किया गया कार्यक्रम, जिसमें कि सुंदर कांड पाठ का आयोजन करना था। इस सुंदर कांड पाठ को आयोजन में यहाँ शहर के ही नहीं पूरे प्रदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि RSS के संघ संचालक प्रताप जी आए हुए थे। इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी, गुरुग्राम सेक्टर 10A RWA के प्रधान सतीश प्रकाश गुप्ता और उनकी टीम, नवीन गोयल जो कि हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के भाजपा के संयोजक हैं, वह अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए थे। इसके साथ ही जनसेवा सांस्कृतिक एकता मंच के अध्यक्ष रणधीर राय भी अपनी टीम के साथ यहाँ आए हुए थे। प्रताप जी ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भारत की धर्म ध्वजा को लेकर के आज सनातन धर्म को आगे लेकर के अखंड भारत सेवा संघ जो ट्रस्ट है वह कार्य कर रहा है और युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है। उनके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। सुंदर कांड पाठ के इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और बाद में यहाँ भंडारे प्रसाद की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए की गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी कुछ व्यवस्थित रूप में यहाँ कार्यक्रम किया गया था। इस खबर को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे कि हनुमान जन्मोत्सव की यह खबर अधिक आम जन तक पहुंच पाए। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम अजय यादव है और मैं अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट का एक साधारण सदस्य हूँ। हमारी एक आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे हमारी एक पहल थी, जिसके अंदर हमने ये प्लान करा कि आज हनुमान जी का जन्म उत्सव बनाया जाए, जो कि हमने अपनी ट्रस्ट के माध्यम से इसको बनाया है। सुबह हनुमान जी का चोला चढ़ाया सबसे पहले, उसके बाद फिर हमने सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी सेक्टरवासी हमारे यादव कल्याण परिषद के अध्यक्ष माननीय दिनेश जी, उसके बाद RSS के प्रमुख श्री माननीय प्रताप जी और भी गणमान्य कमल यादव जी और भी गणमान्य लोग हमारे यहाँ पधारे। और हमारी ये पहल है कि हम अपने सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए और हिंदू को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए हम एक ऐसे आयोजन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और सेक्टर के अंदर भी और समस्त देश के अंदर हम इसका प्रचार करना चाहते हैं। महावीर जयंती पहले भी मनाई जाती थी और आज भी मनाई गई है, तो पहले और अब में कितना फर्क देखते हैं? बहुत अंतर है। आज लोग जागरूक हुए हैं और इसी जागरूकता को हम अपने बच्चों तक, आने वाली नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो इस चीज़ के लिए अग्रसर रहे, आगे काम करे, ताकि अपने सनातन धर्म का प्रचार हो सके। जो हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था, उसको हम एक बार जगाने की कोशिश है हमारी, जो हम बढ़ावा इसको कर रहे हैं। अजय जी, अखंड भारत सेवा ट्रस्ट के द्वारा क्या और कार्य किए जा रहे हैं अभी समाज इसके लिए और राष्ट्र इसके लिए? एक तो हम सबसे बड़ा हमारा जो कार्य है, हमारा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। जो हमारी सनातन संस्कृति है और जो वैदिक संस्कृति है, उसका प्रचार हम चाहते हैं कि अब अपनी ट्रस्ट के माध्यम से करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी संस्कृति है क्या। हम धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे ना बटे, हम एक राष्ट्र के मुद्दे को लेकर चलना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, वो हमारी कोशिश है। और आज अखंड भारत सेवा संघ की तरफ से जो यहाँ पर सुंदरकांड और भंडारे का प्रसाद लिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अखंड सेवा संघ, भारतीय सेवा संघ ने सभी ने मिलकर
भंडारे का और सुंदरकांड का आयोजन किया और यहाँ पूरे सेक्टर वासी और आसपास के सभी लोग, गणमान्य लोग भी आए और सभी रेजिडेंट्स भी आके सुंदरकांड का बहुत ही प्रेम भाव से भक्ति का लाभ उठाया और भंडारे का अब आपके सामने चल ही रहा है, प्रसाद का भी आनंद ले रहे हैं। और मैं यादव कल्याण परिषद कृष्ण मंदिर का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये अपनी अखंड सेवा संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। मैं इनका अपनी पूरी कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सतीश गुप्ता है, मैं सेक्टर 10 RWA का प्रधान हूँ और ये जो अखंड भारत सेवा संघ द्वारा प्रोग्राम किया गया है, मैं तो कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम, और अजय भाई को बधाई भी दूंगा कि जिस टाइप के प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति को जीवित रखने का, हमारे संस्कारों को जीवित रखने का ये एकमात्र तरीका है। और भाई को बहुत बहुत साधुवाद और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस टाइप के प्रोग्राम करते रहें, इससे हमारे बच्चों में, परिवार में, सेक्टरवासियों में, प्रदेश में, देश में, ये हमारे सनातन धर्म की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे बच्चों में संस्कार डालने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तभी आपके द्वारा भी हनुमान चालीसा की मुहिम शुरू की गई है, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालिए। अभी हम अपनी हनुमान चालीसा संपूर्ण करके ही आ रहे हैं, आज भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो थोड़ा सा प्रोग्राम बढ़ा करके आए हैं। ये हर मंगलवार को हम आदर्श पॉकेट पूरे सेक्टर के सहयोग से एक हमने प्रोग्राम चला रखा है और ये भी हम अजय भाई से इंस्पायर्ड हैं कि भाई इनकी इन्होंने हनुमान चालीसा करते हैं तो इन्हीं ने एक दिन हमारे को प्रोग्राम में बुलाया तो मन में आया कि क्यों ना हम भी इस टाइप के प्रोग्राम किए जाएं। और भाई अजय का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा कि इन्होंने एक हमारे को इंस्पायरेशन दे दी कि भाई इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए। और शुरू से ही क्योंकि टोटल हिंदुओं पे विश्वास करते हैं, सनातनी हैं, तो हमारी भी एक इच्छा जागी और आप लोगों की दया से और सक्रवासियों के सहयोग से बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। राम राम जी, मेरा नाम रेणु यादव है, सेक्टर 10A से अखंड भारत सेवा संघ की तरफ से हमने आज ये सुंदरकांड कराया है जिसमें बहुत भीड़ हुई, सभी यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा इसमें बच्चों ने भी भाग लिया, हम चाहते हैं कि बच्चे भी कुछ सीखे हमारे साथ साथ। और अखंड भारत सेवा संघ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मनीष गोस्वामी, मैं आज हनुमान जन्म उत्सव पे सेक्टर 10A कृष्णा मंदिर प्रांगण में आज मेरे को बड़ा धूमधाम से, युवाओं में इतनी शक्ति दिखी जो पहले मेरे को करीब 5 साल पहले नहीं दिखी, आज इतने अच्छे से हनुमान जन्म उत्सव बनाया और भारत सेवा अखंड भारत सेवा सदन की तरफ से भी मैं कहता हूं कि आज भंडारा भी यहां चल रहा है और सुंदरकांड 108 हनुमान चालीसा के पाठ मंदिर के अंदर कराए गए हैं जो पहले देखने के लिए नहीं मिलता था। युवा बैठकर इस चढ़कर हमारे पहली संस्कृति को वापस लाने की ओर चले जा रहे हैं कि जो बीच में हमारी संस्कृति बीच में थोड़ी कम होने लगी, आज वही संस्कृति जो हम देख रहे हैं बहुत अधिक से अधिक करने लगे हैं लोग। और मैं इससे यही निवेदन करता हूं भारत सेवा संगठन तरफ से कि युवाओं से भी कि आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्कृति की ओर बढ़ें, संस्कृति को ना भूलें। आज हनुमान जन्म उत्सव मंदिर के अंदर मनाया गया है और इसी प्रकार जन्म उत्सव या भगवान के कोई भी कार्यों में सब बढ़कर लें और सभी आनंद से लें। जय श्री राम, जय श्री राधे।